आज की स्टूडियो में आपका स्वागत दोस्तों। आज की स्टूडियो में बेंगलुरु बुल्स विशेष बेंगलुरु वॉरियर्स जो मैच हुआ है उसके हाईलाइट जाने वाले। टॉस जीती बेंगलुरु बुल्स ने और पहली रेड मनिंदर करते हैं बेंगलुरु वॉरियर्स की तरफ से, जो कि अपनी पहली रेड में बोनस लेकर चले जाते हैं। पवन कुमार शरावत करते हैं बेंगलुरु बुल्स की तरफ से पहली रेड और अपनी पहली रेड में आउट हो जाते हैं। बेंगलुरु वॉरियर्स के रेडर्स शुरुआत में ही फॉर्म में आ जाते हैं और सुकेश हेगड़े भी लगातार पॉइंट ले रहे थे, जो कि खासकर बोनस पॉइंट ले रहे थे। तो दूसरी तरफ से चंद्र रंजीत बेंगलुरु बुल्स की तरफ से लगातार पॉइंट लेते हैं, वे भी लगभग सारे बोनस पॉइंट ही लेते हैं। 15 मिनट बाकी रहती तो स्कोर होता है बेंगलुरु वॉरियर्स 5-2 बेंगलुरु बुल्स। बेंगलुरु वॉरियर्स का डिफेंस बिल्कुल फॉर्म में आ गया था। शुरुआत में पवन कुमार शरावत को लगातार बाहर रख रहा था और दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस मनिंदर सिंह को बाहर रख रहा था। 10 मिनट बाकी रहती है तो स्कोर होता है बेंगलुरु वॉरियर्स 7-7 बेंगलुरु बुल्स। पवन कुमार शरावत लगातार आउट हो रहे थे तो लगातार मनिंदर सिंह भी बाहर बैठे थे। 5 मिनट बाकी रहती तो स्कोर होता है बेंगलुरु वॉरियर्स 11-10 बेंगलुरु बुल्स। मनिंदर बाहर लगातार, दोनों टीमों का डिफेंस बहुत अच्छा खेल रहा था। हाफ टाइम का जो स्कोर होता है उसमें होता है बेंगलुरु वॉरियर्स 14-13 बेंगलुरु बुल्स। सेकेंड हाफ की शुरुआत में पवन कुमार शरावत 2 पॉइंट ले जाते हैं और उन 2 पॉइंट के बाद पवन कुमार शरावत लगातार पॉइंट पे पॉइंट लेते हैं, जिसकी वजह से ऑल आउट हो जाती है बेंगलुरु वॉरियर्स। 16.5 मिनट बाकी रहती है, उनके डिफेंस का भी साथ मिलता है। 15 मिनट बाकी रहती है तो स्कोर होता है बुल्स 22-18 बेंगलुरु वॉरियर्स। बुल्स का डिफेंस लगातार पॉइंट ले रहा था। सौरभ नांदल बिल्कुल फॉर्म में चले हुए थे और इस बीच सुपर 10 पूरा कर लेते हैं पवन कुमार शरावत। 11.5 मिनट बाकी रहती हैं जब उन्होंने अपना सुपर 10 पूरा किया था और उसके बाद भी पवन लगातार पॉइंट पे पॉइंट लेते हैं, डिफेंस साथ देता है। मनिंदर सिंह कुछ खास नहीं कर पाते, लगातार बाहर बैठे थे, जिसकी वजह से ऑल आउट होती बच जाती बेंगलुरु वॉरियर्स। ऑल आउट हो जाती है बेंगलुरु वॉरियर्स 11 मिनट बाकी रहती है, उसके बाद लगातार पवन पॉइंट पे पॉइंट लेते हैं। दोबारा से फिर चांस आता है ऑल आउट होने का बेंगलुरु वॉरियर्स का, लेकिन वह ऑल आउट नहीं होते क्योंकि 8 पॉइंट रेड आ जाती है एक, क्योंकि 7 रेड सेल्फ आउट हो जाते हैं बुल्स के और एक बोनस ले जाते हैं नबी बख्श, जिसके साथ 8 पॉइंट रेड हो जाती है, उससे ऑल आउट बच जाता है। उसके बाद एक खिलाड़ी रहता है बुल्स का, वो आउट हो जाता है, उसके बाद ऑल आउट हो जाती है बेंगलुरु बुल्स। 10 मिनट बाकी रहती है जब ये ऑल आउट लगता है। 10 मिनट बाकी रहने पर स्कोर होता है बुल्स 29-32 बेंगलुरु वॉरियर्स। बेंगलुरु वॉरियर्स लीड में आ चुकी थी पहली बार इस मैच में, तो मनिंदर उसके बाद पॉइंट लेने लग जाते हैं, लगातार बोनस पॉइंट निकालते हैं, टच भी निकालते हैं, CR66 लगातार टच पॉइंट निकालते हैं क्योंकि पवन बाहर बैठे हुए थे उस वक्त। 5 मिनट बाकी रहती है सेकेंड हाफ की, तो स्कोर था बुल्स 32-38 वॉरियर। बेंगलुरु वॉरियर्स का डिफेंस भी बिल्कुल फॉर्म में चला हुआ था, तो भरत आते हैं आखिरी लम्हों में पॉइंट निकालते हैं, लेकिन बाद में आते हैं पवन कुमार शरावत रिवाइव होते, लगातार पॉइंट लेते। लेकिन इस इंटरेस्टिंग मैच का जो फाइनल स्कोर होता है बुल्स 39-40 बेंगलुरु वॉरियर्स, 1 पॉइंट से वॉरियर्स ने ये मैच जीता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब ट्विन कबड्डी फॉर लेटेस्ट कबड्डी अपडेट्स।